नमस्कार, द क्रेडिबल हिस्ट्री के शो में आपका स्वागत है। और आज बात मैं कर रहा हूं सरदार पटेल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। अक्सर आरएसएस के जो लोग हैं वो इस पर बात करते रहते हैं कि पटेल साहब होते तो क्या होता, पटेल साहब होते तो ये होता, और ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे सरदार पटेल कांग्रेस के नहीं उनकी पार्टी के आदमी हो। उनका पूरा अप्रोच ये होता है कि पटेल तो आरएसएस के समर्थक थे, नेहरू जी की प्रॉब्लम थी। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास पढ़ते समय किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं? व्हाट्सएप पे तो ध्यान दे नहीं सकते, इतिहास में जो कुछ कहा सुना गया है उस पर ध्यान देते हैं। मैं आपको बताऊं कि सरदार पटेल के सारे भाषण, सारे पत्र जो हैं वो 10 खंडों में संकलित हैं। इसके कुछ खंड मैंने टेबल पर रखे हैं, आप देख सकते हैं इनको। ये जो किताबें हैं 10 खंड की किताबें हैं और कोई ऐसा खंड नहीं है जिसमें 400-500 पेज से कम का हो। अहमदाबाद के नवजीवन प्रेस ने छापा है इसको। आप भी अगर गूगल पे जाके नवजीवन प्रेस ढूंढें और नवजीवन प्रेस की वेबसाइट पे जाके सरदार पटेल के कंप्लीट करिस्पॉन्डेंसेज अगर ढूंढें तो 10 खंडों में सरदार पटेल का लिखा आपको सब कुछ मिल जाता है। ये उस ज़माने में जो उन्होंने पत्र लिखे थे, जो भाषण दिए थे, जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब यहाँ मिल जाती हैं। और इनको पढ़ते हुए आपको समझ में आता है कि सरदार पटेल आरएसएस के बारे में क्या सोचते थे। पहली बात तो ये कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तो आरएसएस पर बैन किसने लगाया था? तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री थे सरदार पटेल। आरएसएस पर बैन लगा। उस समय के करिस्पॉन्डेंसेज में देख रहा था जब मैं गांधी हत्या पर काम कर रहा था कि गांधी हत्या के बाद क्या पत्राचार हुए हैं, और उन पत्राचारों को देखते हुए मुझे कुछ बहुत मज़ेदार चीज़ें मिली। मज़ेदार तो क्या हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो आरएसएस की पूरी थ्योरी को खारिज कर देता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप जानते हैं, हिंदू महासभा के नेता थे, बाद में जब आरएसएस ने जनसंघ बनाया तो उसके प्रमुख हुए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज़ादी के बाद जो मंत्रिमंडल बना था, सभी दलों का जो मंत्रिमंडल बना था उसमें मंत्री थे और हिंदू महासभा के नेता भी थे सावरकर के साथ। सावरकर के बाद सबसे बड़े नेता हिंदू महासभा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही माने जाते हैं, अध्यक्ष रहे थे वगैरह वगैरह। तो गांधी हत्या के पेपर्स तलाशते हुए मुझे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार पटेल के बीच में पत्राचार मिला था, चिट्ठियां मिली थी। उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिखते हैं कि सावरकर के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रसित जांच चल रही है। इस पर सरदार पटेल ने जवाब दिया कि यह आरोप बिल्कुल गलत है। आप सब जानते ही हैं कि सरदार पटेल अपने ज़माने के बड़े सफल वकील थे और दीवानी के वकील थे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पूरे केस पर मैं खुद नज़र रख रहा हूं और जो सबूत सामने आए हैं उसमें केस चलाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। एक अलग वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कैसे सही सबूत सही समय पर पेश ना किए जाने की वजह से सावरकर छूट गए, वरना अगर सारे सबूत पेश कर दिए होते तो सावरकर गांधी हत्या से कभी नहीं छूटते। खैर, उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं कि जो उस समय गोरखपुर के गोरखपुर पीठ के महंत थे और 2-3 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया था, उनके बारे में बात करते हैं कि इन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो सरदार पटेल बताते हैं कि इन लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि ये लोग गांधी हत्या के पहले नफरत से भरे हुए भाषण दे रहे थे। जैसे आजकल आप लोग सुनते हैं ना भाषण मुसलमानों के खिलाफ, कभी दलितों के खिलाफ, कभी औरतों के खिलाफ, नफरत फैलाने वाले जिस तरह के भाषण दिए जाते हैं उस तरह के भाषण उस जमाने में भी दिए जा रहे थे, और उस अपराध में इन सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहाना ये बनाया था कि हिंदू महासभा की कार्य समिति की बैठक होनी है, ये लोग उसके मेंबर हैं और अगर इन लोगों को नहीं शामिल किया जाएगा तो बैठक कैसे होगी। इस पर सरदार पटेल ने साफ साफ जवाब दिया था कि इन लोगों को रिहा नहीं किया जा सकता, ये लोग नफरत फैलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा आरएसएस को लेके तमाम पत्राचार हैं। एक पत्र है 19 अक्टूबर 1948 का,
ये पत्र उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी को लिखा हुआ है। ये अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ सरदार पटेल के करिस्पॉन्डेंसेज हैं जिसका दुर्गा दास ने जिसको एडिट किया है, इसके वॉल्यूम 7 यानी खंड 7 में पेज नंबर 260 पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सरदार पटेल कहते हैं, आई हैव मेड माई व्यूज क्लियर टू गोलवरकर that the Sangh will have to change its entire outlook and its program before provincial governments could be satisfied that these activities would cease to be a menace to the peace and tranquility of India. यानी आरएसएस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको हटाने के लिए गोलवरकर ने पत्र लिखा, तो आप नेहरू को बता रहे हैं सरदार पटेल कि मैंने गोलवरकर से साफ साफ कह दिया है कि आपको अपना पूरा जो आपका आउटलुक है उसको बदलना पड़ेगा और इस तरह से बदलना पड़ेगा कि आरएसएस वही कार्यवाही करे जो देश की शांति और भाईचारे के लिए खतरा ना हो। इसका मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं कि अभी जो आपकी गतिविधियां हैं वो देश के भाईचारे के लिए खतरा है। आगे लिखते हैं कि आई ऑल्सो ड्र्यू हिज अटेंशन टू द रिपोर्ट्स विच वी आर रिसीविंग रिगार्डिंग द सीक्रेट एक्टिविटीज ऑफ आरएसएस मैन। मैंने उनका ध्यान इस ओर भी दिलाया कि आरएसएस के लोगों की गुप्त गतिविधियों की रिपोर्ट लगातार हमको मिल रही है। ये वो सरदार पटेल लिख रहे हैं जिनको आरएसएस अपना कहने की कोशिश करती है और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। इसी वॉल्यूम के इसी किताब के खंड 6 में वॉल्यूम 6 में एक पत्र मिलता है जो गोपी चंद भार्गव ने, जो उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सरदार पटेल को लिखा था। इस पत्र में गोपीचंद भार्गव कहते हैं, सूचना दे रहे हैं सरदार पटेल को जो कि गृहमंत्री हैं, सरदार पटेल ने उनसे पूछा था कि इस बारे में क्या कार्यवाही हुई है, तो गोपीचंद भार्गव उनको सूचना दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीति के तहत वी हैव ऑल्सो डिक्लेयर्ड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एन अनलॉफुल एसोसिएशन इन आवर प्रोविंस। अपने राज्य में आरएसएस को हमने एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। प्रोमिनेंट वर्कर्स ऑफ द संघ हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी। संघ के जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। सम मोर विल बी अरेस्टेड इन अ डे और टू। एक आध दिन में बाकी लोग भी गिरफ्तार होंगे। यहाँ एक मजेदार सूचना है कि द चीफ ऑफ द संघ इन आवर प्रोविंस राय बहादुर बद्री दास हैज रिजाइन फ्रॉम द संघ। जो राय बहादुर साहब थे जो पंजाब के हेड थे आरएसएस के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ऐसा हुआ था उस समय, बहुत सारे ऐसे लोग जो संघ से सिर्फ इसलिए जुड़ गए थे कि उनको लगता था कि हिंदुओं के हित की चीज़ है, गांधी हत्या के बाद संघ से उन्होंने किनारा कर लिया। ये तो गोपी चंद भार्गव सूचना दे रहे हैं। एक दूसरा पत्र है मेरे पास जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने लिखा था, जिसकी चर्चा मैंने पहले की, उसमें महंत दिग्विजयनाथ, प्रोफेसर राम सिंह और देशपांडे की गिरफ्तारी को लेके सवाल उठाया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। इसमें सरदार पटेल ने बहुत साफ साफ लिखा है कि एज रिगार्ड्स महंत दिग्विजयनाथ, प्रोफेसर राम सिंह एंड देशपांडे, दे मेड वेरी नास्टी स्पीचेज ऑन 27 जनवरी ऑफ विच दे आर बीइंग पुट ऑन ट्रायल। इन लोगों ने बहुत नफरती भाषण दिया है जिसके चलते वो गिरफ्तार हुए हैं। दे आर रिलीज एट दिस पर्टिकुलर जंक्शन व्हेन द हिंदू महासभा एट दिल्ली हैज पास्ड रेजोल्यूशन कॉन्ट्रेरी टू द एडवाइस ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ द हिंदू महासभा एंड रिपोर्ट्स आर बीइंग रिसीव्ड ऑफ रिवाइवल ऑफ कम्युनल एक्टिविटीज वुड बी फ्रॉटफुल विद कंसिडरेबल रिस्क। As far as I am aware, the order of detention has nothing to do with Godse's trial. I should add that Deshpande, before his Delhi speech, indulged in a very poisonous outburst in Patna. There is no indication that any of them are wiser by experience. जो मैंने आपको पहले बताया कि वो बाकायदा बता रहे हैं कि हिंदू महासभा के ये लोग कैसे जहरीले भाषण दे रहे थे। आज की सरकार नहीं थी कि जहरीले भाषणों के बाद कार्यवाही नहीं होती, वो सरदार पटेल थे और जहरीले भाषणों के बाद उन्होंने तुरंत उनको गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो 15 अगस्त 1948 को उनका दिया हुआ भाषण है। 15 अगस्त 1948 को उन्होंने देश के नाम एक संदेश दिया, एक भाषण दिया। उस भाषण की ऑडियो जो है वो आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद, मेरी बातचीत ख़त्म होने के तुरंत बाद वो ऑडियो सुन सकते हैं। इस ऑडियो को जब आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे वो भारत में सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे, एकता और शांति की बात कर रहे हैं। इसके अलावा उनका एक और भाषण है
जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये मद्रास में भाषण दिया गया था फरवरी 1949 में, फरवरी 1949 में मद्रास में उन्होंने एक भाषण दिया, लंबा भाषण है, उसका भी एक हिस्सा मैंने इस वीडियो के अंत में ऑडियो फॉर्म में लगा दिया है, ये मैंने ट्विटर पे भी शेयर किया था। अंग्रेजी में भाषण है तो उसके हिंदी सबटाइटल भी हमने लगा दिए हैं। इस भाषण में वो सीधे आरएसएस की बात कर रहे हैं, तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें वो कर रहे हैं। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस जिस तरह का हिंदू राष्ट्र चाहता है, जैसे हिंदू संस्कृति सबके ऊपर जबरदस्ती लागू करना चाहता है, उसे कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी बात वो कहते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है कि मुसलमान इस देश के भी नागरिक हैं, इस देश के नागरिक मुसलमान भी हैं, और ये एक शैतानी ख्याल होगा कि उनको देश से बाहर निकालने के बारे में सोचा जाए। कहते हैं कि जिस दिन इस तरह का खेल, ठीक है विभाजन हो गया, जिनको जाना था वो गए, लेकिन जो यहां रह गए हैं वो भारत के नागरिक हैं, और जिस दिन इस तरह का खेल शुरू हो गया कि उनको देश से निकालना है, वो एक एविल डे होगा, एक शैतानी दिन होगा। उसके बाद उन्होंने विभाजन पे बात की है। अक्सर कहा जाता है विभाजन के लिए गांधी जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है, पटेल को छोड़ दिया जाता है कि पटेल होते तो विभाजन नहीं होता, ये बात अक्सर कही जाती है। लेकिन सरदार पटेल खुद फरवरी 1949 में कहते हुए सुने जा सकते हैं कि विभाजन का फैसला बिल्कुल सही था, मैंने विभाजन के लिए सहमति दी थी। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि कांग्रेस के नेताओं में सबसे पहले विभाजन के लिए तैयार हुए थे वल्लभ भाई पटेल, और क्यों तैयार हुए थे ये भी उन्होंने बताया है कि एक साल के आसपास मुस्लिम लीग के साथ मिलकर जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया गया देश की एकता को बनाए रखने के लिए, उसमें समझ में उनके आ गया कि अब साथ रह के काम नहीं किया जा सकता। और कारण बताते हैं, कहते हैं कि एक विदेशी सत्ता जो यहाँ पर 200 साल तक हमारे ऊपर शासन करती रही, उसने अपने फायदे के लिए ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे हिंदू और मुसलमान लगातार और दूर होते गए, और यही विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं। और साथ में कहते हैं कि मुझे लगता है कि विभाजन हो गया और अच्छा हुआ, अगर विभाजन नहीं होता तो ये देश दो नहीं कई टुकड़ों में बंट जाता। न वो गांधी को दोष दे रहे हैं, ना नेहरू को दोष दे रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि विभाजन का जो निर्णय हम लोगों ने लिया वो सही निर्णय लिया, और इसकी सहमति के लिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। साथ में आरएसएस के बारे में कह रहे हैं कि आरएसएस का जो हिंदू राष्ट्र का पूरा मॉडल है, इसको कोई भी सरकार स्वीकार नहीं कर सकती है, और मुसलमानों के लिए कह रहे हैं कि मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं, हमें उनको ये महसूस कराना पड़ेगा कि वो इस देश के नागरिक हैं और उनको भारत के नागरिक के रूप में अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। ये सारी बातें, जैसा मैंने आपको बताया कि पटेल साहब की अपनी आवाज़ में मेरी बात ख़त्म होने के बाद ऑडियो फॉर्म में इसी वीडियो में आप सुन सकते हैं। तो ये सारा सब जानने समझने के बाद इतना तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि पटेल साहब का आरएसएस के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। आरएसएस चाहे जितना शोर कर ले, आरएसएस की प्रॉब्लम क्या है कि उसके पास लीडर्स नहीं है। पूरी आज़ादी की लड़ाई में वो लोग बाहर रहे, हिंदू मुसलमान करते रहे, और आज़ादी की लड़ाई में शामिल हर बड़ा नेता सांप्रदायिक एकता के सवाल पर एक जैसा है, चाहे वो गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो। आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने तो सीधे सीधे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग को अंग्रेजों का दलाल कहा था। सरदार भगत सिंह पूरी जिंदगी सांप्रदायिकता के खिलाफ बात करते हैं। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आप नाम लेते जाइए, जितने लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, सभी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। और उस समय आरएसएस के लोग हिंदू मुसलमान कर रहे थे, तो उनका कोई अपना नेता तो है नहीं। तो जब आपके पास अपना नेता नहीं है, तो आप कभी सरदार पटेल को अपना बनाने की कोशिश करते हो, कभी सुभाष बोस को अपना बनाने की कोशिश करते हो, कभी भगत सिंह को अपना बनाने की कोशिश करते हो, कभी किसी को अपना बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन ये झूठ के आधार पर, फर्जी प्रचार के आधार पर ये जो सारा तमाशा है, ये कब तक चलेगा? ये जो सरदार पटेल के वीडियोस मैंने बताए, आप ट्विटर के अगर मेरे हैंडल पे जाएंगे, वहाँ हाइलाइट्स देखेंगे, तो ये सारे वीडियो मैंने वहाँ पर लगा दिए हैं हिंदी सबटाइटल्स के साथ। तो जब भी कोई आरएसएस वाला आपसे कहे कि सरदार पटेल तो आरएसएस के बहुत करीब थे, तो ये वीडियोस के मुंह पे मार दीजिए और कहिए चुप हो जाओ, बहुत झूठ बोल चुके हो।
आज के लिए बस इतना ही। वो अपील जो ज़रूरी होती है, अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो हमें सीधी फाइनेंशियल हेल्प आप कर सकते हैं। आप अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां मैंने लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करने का ऑप्शन है, सुपर थैंक्स करने का ऑप्शन है। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, आपके ऊपर है कि आप क्या चुने। लेकिन वीडियोस देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि सच दूर तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। You have seen the government is dealing with the RSS movement. They are our own people. And they want that there should be Hindu Raj or Hindu culture should be imposed by force. No government can tolerate it. Because you must understand that there are as many Muslims in this country as are in the partitioned country. And we are not going to drive them away by force. It would be an evil day if we started that game in spite of partition and whatever happened. We must change our mental outlook. And we must understand that they are going to stay here and that it is our obligation, it is our responsibility, it is our duty to make them feel that this is their home, this is their country, it is their responsibility, their obligation to discharge their duties according as citizens of this country. We must both understand that partition is a thing of the past. It has come to stay, and honestly I believe it is good for both of us that they don't come back. Because it would be a perpetual source of trouble and quarrel. Whatever may be the reason, and I honestly believe the reason is the slavery of 200 years and the power that stayed for a long period for its own convenience created a situation for easy rule, easy administration, in which we began to go far away from each other. It is good that we have agreed to partition in spite of all its evils. I have never repented for my agreeing to partition, because I had myself experienced during the period of 1 year's joint administration that if we had not agreed to partition, we would have grievously erred and repented. India would not have resulted in a partition of two countries, but would have been partitioned into several bits. And therefore, whatever some people may say, I am convinced, and I remain convinced, that it has become for the good of the country that we have agreed to partition. भारत निवासी प्यारे भाइयों और बहनें, आज भारत की स्वतंत्रता का 1 साल परिपूर्ण होता है। उस समय पर हमें जो खुशहाली होनी चाहिए इतनी तो नहीं होती है, फिर भी 1 साल हमें कितनी कठिनाइयों में काटी और क्या क्या मुसीबतों का मुकाबला करना पड़ा, उसके पर ख्याल करें तो हमें काफी खुशी मनानी चाहिए। बहुत काम करने का बाकी तो है, लेकिन इस मौके पर जो जो काम हमने किया वो बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारी क्या हालत है और भविष्य में
नजदीक के भविष्य में हमें क्या करना है उसके पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पिछले साल में जो हमारे मुल्क में भारत की आजादी के बाद तुरंत मुल्क में चारों तरफ आग फैल गई, जो कौमी फिसाद फूट निकली, उस हालत में एक तो हमारे पास खुद राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी जी मौजूद थे, इससे हम बच गए। यदि इस समय पर बंगाल में खुद महात्मा जी मौजूद न होते तो आज हमारी क्या हालत होती वो कहना मुश्किल है। उसी समय पर पंजाब का टुकड़ा होने के बाद, या तो भारत का टुकड़ा होने के बाद जो मुसीबत हमारे सामने आई उसमें क्या क्या कठिनाइयों में पसार होना पड़ा आप सब जानते हैं। लेकिन अब आज ईश्वर की कृपा से हम मुल्क में एक प्रकार की शांति स्थापित कर सके, और दूसरा जैसा एक कौमी मामला था वैसा ही पेचीदा मामला देशी रियासतों का था। जब सार्वभौम सत्ता हिंदुस्तान में से अपना बिस्तरा लपेट के चली और जब उसने ऐलान किया कि इधर पैरामाउंट से खत्म होती है, उस समय पर मुल्क में क्या होगा और मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में गिरे थे। लेकिन जो राजा महाराजाओं थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी, इतनी एकता हमने बनाई है। तो हिंदुस्तान का टुकड़ा होते हुए भी भारत आज एक बहुत बड़ा मुल्क, और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है। और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो रास्ता गांधी जी ने हमको बताया है उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। अब हमारा प्रथम कर्तव्य जो हिंदुस्तान में शांति रखने का या शांति स्थापित करने का था वो ठीक तरह से हुआ है तो अभी परिपूर्ण नहीं हुआ है, ये हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो हिंदुस्तान के भीतर में एक तो कश्मीर में लड़ाई चलती है और दूसरा हिंदुस्तान की हौजरी में हैदराबाद का एक बहुत बड़ा अवसर पड़ा है और वहां से क्रोमी जहर दिन प्रतिदिन उबल रहा है, फैल रहा है। उन दोनों चीज का फैसला करने की हमारी पूरी कोशिश है और हम उम्मीद रखते हैं और हम विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इतना हम करेंगे। लेकिन ये तो मुल्क के भीतर की बात है, हमारे मुल्क के आसपास जो हालत है उसके पर हमें ख्याल रखना है। चाइना में एक समय पर ऐसी हम उम्मीद रखते थे कि चाइना सारा एशिया की आगेवानी लेगा, लेकिन वहां की जो भीतर की हालत है
उससे मालूम पड़ता है कि वहां से हमको कोई उम्मीद नहीं है और वहां बड़ा दुख है। और चाइना में जो आज हालत हो रही है, ऐसी हालत दुनिया में कोई मुल्क की नहीं है। अब उसके पास आप देखें मलाया, वहां भी फिसाद हो रही है, इंडो चाइना वहां भी फिसाद हो रही है, और देखे ब्रह्मदेश हमारे पास, हमारे साथ साथ उनको आजादी मिल गई, उसकी क्या हालत है। बड़ी चिंताजनक हालत है और हमारे पास लगोलग पड़ा है। और हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में उसका चेप फैलने में देर न लगे, ऐसी हालत है, इसलिए हमें बड़ी सावधानता की जरूरत है। कई लोग कहते हैं कि आजाद हिंदुस्तान जितनी स्वतंत्रता लोगों को मिलनी चाहिए इतनी देने में झिझकते हैं और कुछ ऐसे कड़े कानून बनाते हैं जिसके वजह से आजादी पर तराप होती है। हमें कबूल करना पड़ता है कि ये बात कई दर्जे तक सही है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आजादी जिसने दिलवाई, इनका खून करने में भी हमारे मुल्क में ऐसे आदमी पड़े हैं कि जिसको संकोच नहीं हुआ, शर्म नहीं हुई। वैसे लोगों के लिए या तो परदेशी संस्कृति इधर लाने के लिए, आर्थिक परदेशी संस्कृति लाने के लिए, राजकीय संस्कृति लाने के लिए, या वहां का प्रदेश का सोशल स्ट्रक्चर इधर जबरदस्ती ठोकने के लिए जो लोग कोशिश करते हैं, उसको हम ठीक न रखे और उसकी संभाल न रखे, तो जो चाइना की हालत हुई, जो बर्मा की हालत हो रही है, जो और आसपास ईस्ट एशिया में हालत हो रही है, वो हमारे मुल्क की हो वो न होना चाहिए, उससे सावधान रहना चाहिए। इसलिए पहला हमारा कर्तव्य हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान की स्थिरता संभालना, और उसमें हम गलती करें तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए एक तो हमारा मजबूत एक मध्यस्थ सरकार और दूसरा हमारा मजबूत फौजी इंतजाम, वो दो चीज न हो तो हम कुछ काम कर नहीं सकते हैं। इसलिए यदि मजबूत फौज रखनी हो तो उसके लिए जितना आर्थिक बंदोबस्त करना चाहिए, जितनी इंडस्ट्री चाहिए, जितना उद्योग चाहिए, ये सब चाहिए, खाना पीना चाहिए, ये सब चीज चाहिए, तो हमें मुल्क में हर आदमी का साथ चाहिए। तो मैं इस मौके पर हिंदुस्तान की जनता को हृदय से अपील करता हूँ कि आपको, भारत की सरकार को जितना साथ देने की ताकत हो वो सब दिल से देना।